1732 में महाराजा स्वाई जय सिंह द्वारा तैयार किया गया ये महल, जो कि आज भी रॉयल फैमिली इसका यूज़ करती है। दोस्तों, आपको अगर एक कलाकार की कला देखनी है ना, तो आपको इस ब्लू रूम में आना पड़ेगा। बाहर से तो हर कोई देख करके चला जाता है, लेकिन इसकी जो टिकट है वो एक अलग से लगती है। छत देखिए इसकी कितनी अच्छे से डेकोरेट की गई है। इसकी 3000 रुपये पर पर्सन टिकट है। इन फूल पत्तियों का डिज़ाइन देखिए, एक रॉयल लुक दिया गया है इनको। ये देखो, एक मुकुट के आकार का, चूड़ी के आकार का। जैसे वो सामने आप पहाड़ी पे मेरी उंगली की सीध में एक मंदिर देख रहे हो, वो है भगवान गणेश जी का। और यहाँ नीचे भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। और ये सिटी पैलेस, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में है, तो ये भी एक अद्भुत है अपने आप में। वैसे तो जहाँ हम खड़े हैं, ये रॉयल फैमिली का महल है। और सामने का जो व्यू है वो कुछ इस प्रकार से आता है। वो सामने आप नाहरगढ़ का किला देख सकते हो यहाँ से। ये देखिए भाई, पहले आपने रॉयल फैमिली का ब्लू महल देखा था, तो अब यहाँ आप शीश महल देख लीजिए। इसको बंद करके दिए या मोमबत्ती जलाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई तारे टिमटिमा रहे हों। ये देखिए भाई साहब ने मोमबत्तियाँ ले रखी है हाथ में, और ये दिखा रहे हैं। ये देखो कैसे टिमटिमाता है, क्या बात है भाई। इतना स्वर्ण तो मैंने किसी ज्वेलरी शॉप में नहीं देखा, जितना पुराने समय से राजाओं ने यहाँ लगा रखा है। दोस्तों, ये तीनों महल आज भी राज परिवार यूज़ करता है, और इनको देखने के लिए ना 3000 रुपये पर पर्सन टिकट है। ये देखो, जो यहाँ रहता है ना, उसके लिए ये स्वर्ग से कम नहीं है। काश हम भी रॉयल होते। कांच के बने इन रंग बिरंगे स्टोन के साथ जो लुक आ रहा है इस रूम का, वो बहुत शानदार है। भाई 3000 रुपये की टिकट थी, और सिटी पैलेस के तीन ही रूम दिखाए हैं। इस बंदे पर ये कलर अभी का किया हुआ है। ये अंकल जी लगे हुए हैं, मैं पूछता हूँ उनसे, सर ये जो कलर यूज़ करते हो आप, बिल्कुल नेचुरल होते हैं सर, किसके बने होते हैं बता सकते हो थोड़ा सा? स्टोन कलर। एंड योर कंट्री? इंग्लैंड। इंग्लैंड? अंग्रेज अंकल से फोटो खींच के बहुत अच्छा लगा। अभी आंटी जी मिली है, उनसे देखते हैं बात करके। इस हॉल में भाई राजाओं की बहुत सारी रियल फोटो लगी है, तो अंग्रेज है ना, वो बहुत ध्यान से पढ़ के उसको देख रहे हैं। एंड योर कंट्री? सॉरी, कंट्री लंदन इंग्लैंड। भाई हमारे वाले तो इन फोटो को पूरा देखते भी नहीं है, लेकिन ये जो अंग्रेज है ना, वो सारे पढ़ पढ़ के देख रहे हैं, स्कैन कर कर के इनको। ये देखो छोटे मियाँ, पिक्चमी करे बस अब। गाल कौन गाड़ी, इंडिया इंग्लैंड को टेस्ट मैच चले नहीं, बिंगी बात कराओ वो। दोस्तों देख रहे हो आप, ये सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ करके जो ये मुबारक महल बना हुआ है, वो एक हिंदू संस्कृति राजपूत शैली के अंदर जो शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। मैं आपको थोड़ा पास करके दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए सीजन करके बना हुआ है। बाहर से देख रहे हो आप कितनी सुंदर कार्विंग की गई है, एक एक पत्थर को तराश करके। एक मिनट रुको, और पास में लेकर जाता हूँ। एक तो ना बारिश आ रही है रुक रुक के आज। ये देखिए लीव्स ऑफ ए ट्री, यानी जो पेड़ की पत्तियाँ हैं, अलग अलग पेड़ की पत्तियाँ, उनको पत्थर से किस प्रकार से तराशा गया है, किस प्रकार से उनको डिजाइन दिया गया है, लुक दिया गया है। चलिए अब इसके अंदर चलते हैं। कैमरा तो अलाउड नहीं है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाएंगे। आया यार, कौन रुक के आया?
रिपेयर है 300 दिया है एक आदमी का। टिकट दिखाओ, इसको बंद करो। कैमरा बंद करवा रहे हैं यार। चलो कोई बात नहीं, ये देखिए राजाओं के सर का ताज, उनका मुकुट, उनकी टोपी और ये ड्रेस है। भाई साहब देखने वाली चीज़ें तो यहाँ थी, कैमरा ही बंद करवा दिया। ये रहा मुबारक महल और इसके सामने ये दफ्तर है जिसमें जाने के और पैसे लगेंगे। भाई हम तो नहीं जाएंगे। गाड़ी का लार देख, RJ14 भाई, जयपुर की ये गाड़ी है, पिंक कलर की कार। ले सिक्योरिटी गार्ड, तुम चाबी ली। ये पुराने समय की बनी भगवान शिव की मूर्ति है जो कि यहाँ शीशे में रख रखी है। और अब हम ऊपर चलते हैं, ऊपर एक म्यूजियम है जहाँ हथियार अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं। लेकिन देखते हैं कैमरा अलाउड है या नहीं, वीडियो बनाने देंगे या नहीं बनाने देंगे। ये देखिए यहाँ ब्रिटिश सेना की रैली निकाली जा रही है। ये हवा महल के सामने वाली रोड है। अगर यहाँ वीडियो नहीं बनाने दी तो मैं फ़ोटो के कुछ क्लिप्स डाल दूँगा, आप देख लेना। चलिए ये देखिए, ये तो वैसे ही नॉर्मल चित्र है। ये क्या है? अच्छा, गौर से देखने पर नज़र आता है ये वो है युद्ध नीति, जो युद्ध करते थे ना, मैदान का चित्र है ये, रणभूमि का। बहुत ध्यान से देखने पर नज़र आता है यार। ये देखिए यहाँ, आप इनको भी गौर से देखोगे ना तो आपको हाथी, घोड़े और सैनिक नज़र आएंगे। मगरमच्छ सा बना रखा है। ये युद्ध नीति हुआ करती थी पहले के समय में। ये एक यहाँ से सेना आ रही है, ये इधर से सेना आ रही है यार। ओए विक्की, अंदर जाने से पहले हमें टकराया ये दरवाजा जिसके ऊपर ये की गई है कला, जो कि लोहे की जंजीर से। और अब हम चलते हैं ये अस्त्र शस्त्र ग्रह देखने के लिए। भाई थोड़ी सी भी वीडियो नहीं बनाने दी, थोड़ी सी भी, पता नहीं क्यों रॉयल फैमिली ने रोक लगा रखी है। बस अब दरवाजा देख लो ये, और ये देखिए दोस्तों जयपुर की चित्रकला, जिसका जो प्राइस है वो लाखों के अंदर होता है। और मैं आपको दिखाऊंगा और बात भी कराऊंगा आपको कि कैसे चित्र बनाते हैं ये। सर प्लीज कैन आई टेक टू यू। कलाकार तो है यार सच में। ये देखिए ये सारे चित्र इनके बनाए हुए हैं। ये एक मुगल बादशाह की तस्वीर है, इनको कभी किताबों में देखा करते थे और अब आज रियल हाथों से बना हुआ देख रहा हूँ। बहुत शानदार है यार, इसका प्राइस 3000 रुपये है। ये देखिए ये कलर जो है ना, ये सच में बहुत चमकीले हैं और खुरदरे भी। ये चित्र देखो कितना शानदार है, प्राइस ही बहुत है यार, एक आधा ले भी लिया तो कहाँ काम आएंगे। अखरोट के अंदर कॉकरोच, नकली है लेकिन हाथ पैर असली हिला रहा है। पाएंगे कितनी कीमत है? 150 रुपये का है ये। ये देखिए हाथी के अंदर हाथी बच्चा। ये लकड़ी के ऊपर कलाकारी हो रही है, तांबे की तार से। ये देखिए दोस्तों नाइट का व्यू सिटी पैलेस में। वैसे तो 5 बजे एंट्री बंद हो जाती है, लेकिन हम 4 बजे आए थे और अब 6:30 हो चुके हैं, तो इन्होंने लाइटें ऑन कर दी है। बारिश भी बंद हो गई अब, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया यार, बारिश आ रही थी रुक रुक के, और इस वजह से हमने ये देखिए नाइट का व्यू भी देख लिया। चलो यहाँ से चलते हैं, मुबारक महल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है।
ये देखिए यहाँ की डिजाइनिंग कार्विंग कितनी शानदार। हमने जयपुर की पेंटिंग देखने में टाइम लगा दिया इसलिए ये नाइट का व्यू देख पा रहे हैं, वरना कब के निकल जाते। वीडियो नहीं बनाने दी यार, यहाँ पे तीन म्यूजियम है, तीनों में वीडियो नहीं बनाने दी, लेकिन देखने वाली चीज़ ही वो है, पूरा पैसा वसूल है। ये देखिए डिजाइन देखिए यार, रात को भी कितना प्यारा लग रहा है। आ विक्की, रात होगी। ये क्या कर रहे हो? पटाखे बजा दिए यार आपने तो।